अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में एक मन ही ऐसा है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, हाँ या ना? एक मन सबको परेशान करता है। आप लोग जितने लोग परेशान हैं आज, आप अपनी पत्नी के कारण परेशान नहीं है, पति के कारण नहीं है, पुत्र पुत्री के कारण परेशान नहीं है, पड़ोसियों के कारण परेशान नहीं है, परेशान है सिर्फ अपने मन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? सिर्फ मन। मन है जो आपको परेशान करता है। अच्छा, मन परेशान कब करता है? जब हमारे मन की नहीं होती तब। मन चाहता है ये और ये नहीं मिलता, मन परेशान है ना? ये मन क्या है? एक राजा ने एक बकरे को खड़ा किया और कहा कि जो आदमी इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। बड़े बड़े लोग पेट भरने गए, बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। दिन भर हरी हरी घास में उसे चराया, शाम को लाकर खड़ा किया, राजा साहब पेट भर गया। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा खाने लगा। राजा बोला, भर गया होता तो ये खाता क्यों? खा रहा है, इससे पता चला किसका पेट। सारे लोगों ने ट्राई किया, कोई उसका पेट ना भर सका। आखिरी में एक संत जी को पता लगा। संत जी ने बकरे को लेकर वो जंगल गए, बकरे को उतनी ही घास खवाई जितनी उसको जरूरत थी। अब ज्यादा खाए तो संत जी उसके मुंह पर लाठियां मारने लग गए। खाने जाए तो एक मारे, फिर खाने जाए फिर मारे, मारते गए मारते। अब बकरे को लगा, भाई खाता हूं तो लाठियां पड़ती हैं, अब खाना छोड़ दिया। बकरा चुपचाप खड़ा। शाम को संत जी राजा के पास ले गए, राजा ने हरी घास डाली तो बकरा ने महात्मा जी की तरफ देखा, खड़ा है लाठी लेके। उसने आंखें मूंद ली, बकरा घास की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि दिन भर उसे घास के चक्कर में ही पिटाई पड़ी है। बकरे को आप कितना भी खवाओ पर फिर उसे हरी घास मिल जाएगी, वो फिर खाने लग जाएगा, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारा मन है, इसे कितना भी तुम खिलाओ पिलाओ, कितना भी सुख दो मन को, कितनी भी मनमानी करो मन के साथ, फिर भी उस मन का पेट खाली का खाली, बकरे की तरह। फिर संत जी ने क्या किया था? लाठी उठाई, मारना शुरू किया। इसलिए कहता हूं, मन की मानो मत, मन को मारो, मन को, अपने विवेक की लाठी से, अपने ज्ञान की लाठी से मन को समझाओ के मन। कई लोग कहते हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो कहते हैं कि आपका मन जब भोग भोगने का हो तो भोग लो, तृप्ति मिल जाएगी। मन खाने का हो तो खा लो, तृप्ति मिल जाएगी, फिर भगवान का भजन करना। तो एक बात बताओ, आपने तो सब पेट भर के कई बार खाया है, आपने तो गृहस्थ में रह के कितनी बार भोग ना भोगे होंगे, क्या आपको तृप्ति मिली? कल भोग भोगा, आज फिर इच्छा है। कल खाया गुलाब जामुन रसगुल्ला, आज फिर इच्छा है खाने की। कितना भी खवाओ, इन इच्छाओं का पेट भरा कभी किसी का भरा हो? तो समाधान ये है कि आपकी इच्छा हो तो आप वो काम कर लो, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होंगे, थोड़ी देर बाद मन फिर वहीं जाएगा।
बोल दो हाँ या ना, बोलो सही है या गलत है, हाँ या ना। इसलिए समाधान ये नहीं है कि आप भोगों को भोगते रहें, तृप्ति बुढ़ापे तक आपके सारे दांत गिर जाएंगे। एक सज्जन, मैंने कई बार आपको सुनाया कि एक मेरे जानने वाले भक्त ने मुझे अपनी बात बताई, वो लगभग 90-95 साल के हैं अभी वर्तमान में। इतना बुढ़ापा है कि वो वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है। इतने बूढ़े हो गए कि हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है तो वो वॉशरूम जाते हैं। उन्हें कपड़ा पहनाओ तो कपड़े पहनते हैं, करवट बदलवाओ तो करवट बदलते हैं। इतने बूढ़े हैं, फिर भी उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। हाँ हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं। हमने कहा दिख रहा है, चमड़ी लटक गई है, करवट भी ले नहीं सकता आदमी। लेकिन बोला उन्होंने, महाराज मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं फिर भी अपनी इंद्रियों से परेशान हूं, करवट लेने की हिम्मत नहीं है, पर मन भोगों में बार बार जाता है अभी भी, इस उम्र में भी। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि भोग संसार के भोग लें फिर मन हट जाएगा, हटेगा नहीं साहब, कभी भी मन हटाना पड़ेगा। आप सोचें अपने से हट जाए, आपको मन हटाना पड़ेगा। आप कहते हमारा तो मन नहीं लगता कथा में, अच्छे काम में लगता नहीं है, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल जाने का मन थोड़ी होता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं, जा जा जा। बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, पढ़ाया लिखाया, उसी तरह तुम्हारा मन बच्चे की तरह है। मन आजादी चाहता है, मन मनमानी चाहता है। कब तक मनमानी कराओगे मन से? पक रहे हैं तुम्हारे बाल, आ गया बुढ़ापा, और कब कब मन को केंद्रित करोगे? ये इंतजार ना करना कि बस संसार का सुख ले लें फिर मन हटेगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन हटा ना पाए। दूसरों का प्रमाण ना देखो, तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन उनका ना हट पाया भोगों से, तुम्हारा भी नहीं हटेगा। इसलिए अभी से अभ्यास। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्णः, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते, मन को अभ्यास के द्वारा संसार से हटा के भगवान में लगाओ। अभ्यास, आपने आज जो भी सीखा है किससे सीखा है? अभ्यास। पहली बार स्कूल गए थे आप लोग, काखा गाघा लिखना नहीं आता था, लेकिन लिखने का अभ्यास किया तो आ गया। पहली बार साइकिल चलाने बैठे तो आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। पहली बार आपने रोटी बनाई, आया नहीं, आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। इस धरती पर सारे काम आपको तब आए जब आपने उन कामों का अभ्यास किया। बोलो हाँ या ना। यदि अभ्यास करने से आपको संसार का हर काम आ गया, गाड़ी चलाने से लेके प्लेन उड़ाने तक का, तो अभ्यास करने से मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास कीजिए, रोज मन को समझाइए कहां जा रहा, जहां जा रहा वहां से खींच के लाइए। खींच के लाइए मन को। गलत जगह पर जा रहा है, खींचिए मन को। जब आपका मन गलत जाने लग जाए तुरंत नेत्रों को बंद करके भगवान का चिंतन करने स्टार्ट करने लग जाओ। चिंतन करना शुरू, हे प्रभु मेरे मन को बचाइए, हे प्रभु मेरा मन गलत जगह पर जा रहा है, हे प्रभु मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। तुरंत ऐसी प्रार्थना करो तो भगवत कृपा से मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बुद्धि तो नहीं होती उस समय, यही बुद्धि डेवलप करने के लिए ही तो सत्संग किया जाता है, यही विचारधारा बनाने के लिए तो सत्संग चाहिए।